हेलो जी, राम राम जी। आप सभी को हमारी तरफ से तो सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो मैं 6 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या है ना, बाकी का काम तो पूरा हो गया है बाहर का, तो मैं बना रही हूँ भाई चाय। चाय बन रही है मेरी, पर चाय क्या है ना, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो बिट्टू पापा जी अभी तक सो रहे हैं, देखो ये चाय देखो, अभी तक तो देखो सो रहे हैं भाई, उठ नहीं रही है। ये चाय कह रहे बोलते हैं मैं हैं, नींद पूरी करूंगा मेरी यहाँ पे। नींद पूरी ना तो होते बच्चे भी सो यार। रहे हैं, तो मैं चलो मैं चाय को देखती हूँ। तू फट जा, देख लियो ना कान उफन गई, उनका चक्कर में चाय उफन गई भाई मेरी। तो बन रही है चाय, और दोबारा से साफ करना पड़ेगा संध का। तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो कल बिट्टू पापा जी क्या लेके आए हैं दिल्ली से। तो भाई क्या लेके आए हैं, लाइट का चूल्हा। तो देखो ये लाइट का चूल्हा है, तो इस पे मतलब सब कुछ बना सकते हैं, चाय, सब्जी, रोटी, सब कुछ जो भी। चाय उफन गई मेरी, तो पूरे संद को गया सेंस। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 7:30, और हम बना रहे हैं आज हरी सब्जी। तो मैंने इसमें चढ़ा दिया पानी, और इधर पानी बिट्टू पापा जी ताक रहे हैं, गर्म पानी हो गया, और लहसुन भी छील लिया है, और ये दलिया लेके आ गई। तो जी जी काट रही है पालक दांतला से, अरे सब्जी काट रही हूँ भाइयों, दांतला से चप्पू सुजानो ना काट वो। तो गाइस देखो इनकी सब्जी बनना हो गई है शुरू, और एक अच्छा सब्जी में लग रहे हैं दो दो लोग। लो लिखा लो। ये झूठे चम्मच ले रो रही है। तो गाइस देखो दोनों बच्चे खा रहे हैं गांव का देसी दही, पालक की सब्जी, रोटी, और बिट्टू इधर खा रही है, इधर एनू खा रहा है। डॉक्टर ने दोनों के लिए दही मना कर रखा है, पर थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं लगा के। और ये बना रही है इधर चूल्हे पे रोटी ताज़ा ताज़ा। ये देखो गांव की चूल्हे पे अब बन रहा है चूल्हा, बढ़िया। और ये देखो मेरे को काम भी काम बता रही है, मैं रोटी भी नहीं खाने दे रही टाइम से। ये देखो गरम गरम खाओ, तुम भीग ये जाओगे। जी जी काम खत्म ना हो जा ली। तो जब तू थी ना अभी तो रोटी खाऊंगा, जब तो शकरकंदी ले आई। तो गाइस फाइनली देखो हम लोग नहा धो के हो चुके हैं इधर तैयार। बिट्टू को भी नहला दिया, आरव को नहीं नहलाया है क्योंकि आरव की तबीयत सही नहीं है इसलिए। और मैं तो नहा लिया हूँ इधर देखो, और धूप आ रही है, अच्छी धूप आ रही है, खूब धूप आ रही है। अभी मकान के सामने खड़ा हूँ मैं तो इधर की तरफ, उधर वो लोग नहा रहे हैं सब के सब, क्योंकि लाइट भी नहीं आई है, वैसे पानी थोड़ा सा है। मैं भी बड़ी मुश्किल से ऐसे ही नहाया क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, और पानी आपको पता ही है नहीं हमारे, अब पानी ख़त्म होने लग गया, मोटर ही नहीं चलती, हल्का फुल्का पानी देती है आपको पता है, पीने के पानी के लाले हैं अब की बार हमारी तरफ इधर। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ देखो इधर छत पे, काफ़ी दिनों बाद छत पे आना हुआ है मेरा। और इधर देखिए ये वाली सरसों हमारी आने वाली है लावणी, कटने वाली है थोड़े दिनों बाद। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा ये खेत, और थर्ड नंबर पे आएगा शायद वो या वो वाला उधर वाला। बस हमारे सरसों बो रखे एक उधर वाले गांव में है वो। चाहे दोस्तों ये सरसों पहले आएगी, सबसे पहले आने वाली है, 10-15 दिन में इसमें ये लावणी आ जाएगी अगर धूप ऐसी पड़ती रही तो। फिर उसके बाद ये खेत आ जाएगा, और इसके बाद आने वाला है वो वाला खेत या वो वाला खेत इधर से। और बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है इधर, बहुत ज़्यादा धूप भी पड़ रही है दोस्तों, और सुबह बहुत सर्दी भी पड़ती है। इधर देखो ये पेड़ है हमारे दोनों बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, इनको काटना पड़ेगा, बहुत ऊंचे हो गए हैं इसलिए। हाँ बेटा बच्चे आ गए हैं देखो ऊपर। तो भाई दोपहर के बज चुके हैं सही एक, और जी जी पापा जी तो आज चले गए हैं खाऊं, क्योंकि मामा जी इनके कुछ काम था, तो इसलिए मापे चले गए हैं। तो हमने भी नहाई धोई कर लिया है, और सबको नुहा दिया आज मैंने सुबह सुबह, और सबके कपड़े धो दिए हैं, बहुत सारे कपड़े धोए आज मैंने। रोज इतने कपड़ा धोती हूँ मैं, बहुत सारा कपड़ा धोऊं। आरव ना नहाए भाई, इसकी तबीयत खराब थी ना, तो इसलिए इसको नहीं नुहाया। और देखो इसने क्या तोड़ दिया मेरे कलेजा। तो यहाँ पे बैठ के हम खा रहे हैं मूंगफली, और मैं खा रहा हूँ इस गोलगप्पे। गोलगप्पा गोलगप्पे ले आओ गम, क्योंकि याद आ रही है खावा की।
तो इसलिए तो यहाँ पे धूप में बैठे हैं। तो अभी तो हम बैठे हुए हैं, तो देखते हैं बाद में क्या काम करते हैं। काम तो क्या है, वैसे तो कर लिया है घर। तो भाई यहाँ पे हम खेल रहे हैं बॉल, और बिट्टू पापा जी, मैं और बच्चे हैं साथ में, तो हम खेल रहे हैं। और हमारी बॉल पड़ी है इधर, तब दोबारा से बारी बारी से खेलेंगे। अभी क्या ने कपड़े फहरा रहे हैं, ये देखो दे तोड़ दिया लहसुन न माने यार। यार उधर से क्यों घुस रहा भैया यार, तो है इनमें कांच नहीं तोड़ दी, मार इनको ना माने यहाँ देख बता, कांच नहीं तोड़ दी कहीं मारेगो कि छोरा को यार ना जी, कांच नहीं तोड़ दी। और भाई ये शिशु तो हमारी मतलब एक महीना से ये फैले ही आ जाएगी लामनी। तो दोस्तों हम खेलने वाले हैं बॉल, और देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है, तो देख लेना। तो चलो सर, तो ये ले ली है हमने बॉल खेलने के लिए भाई, तो खेलेंगे। आ जाओ ना मुंशी दर ऐसे, ठीक है ना, क्या तो सर गाइस हो गए भाई तैयार गाली पहले ही तो ज्यादा सियाणी बन रही थी ना तेज। पापा आप दो बार हार, आप जीत गए दो बार, देखो भगा दे का कर रही तू तोड़ दी, देख ले एक गाजर उपाड़ी जो तोड़ दिया ने, माटी खा ले तेरे, माटी का भगवान माटी खानी है तो सू मीठी दोस्त, इससे माटी खानी कहते थे, देख आज माटी खाई रही है ना, खेवी ना रही, सच बता तू खेवी ना न पता सर। तो भाई अब खोदने लग गए हैं गाजर, सच में ही खोदेंगे क्योंकि हम हलवा भी तो बनाएंगे। के लिए काट देना ये, हाँ उपाड़ दे, देखो कितना काम करते हैं बिट्टू के पापा जी, खेत का भी काम करते हैं, घर का भी काम कर लेते हैं, इसका भी करते हैं, और टाइम पास भी कर लेते हैं। आवे थम्स काम करवो जी, यार गाजर तो मोटी हो गई भाई, थम्स काम करवा आवे की, अरे अपन सुखाए आवे, आप सब काम कर ले। हां हम तो सब आरु काए की लड़ाई कर रहे बाबू मां। तो भाई बिट्टू पापा जी खोदने लग गए हैं गाजर, देखो और इतनी सारी निकाल के पटक दिए हैं। तो मैं जा रही हूँ बलिता लेने के लिए, इधर की तरफ जाऊंगी मैं, रोज रोज बलिता लेके आती हूँ, तो जब तक ये गाजर खोद लेंगे फिर इनको। तो दोस्तों फाइनली हो चुका है मेरा काम, देखो मैं धोके लाया उनको अच्छी तरह, दो बार पानी में बिट्टू पर हाथ गंदे मत डालो बेटा, गंदे हाथ मत करो। तो अभी हम इनको छीलने वाले हैं गाजर का, उठाओ उठाओ। तो भाई शाम के बज चुके हैं चार, और मैं काटने लग गई दूध, और बिट्टू पापा जी छीक रहे हैं गाजर, और बिट्टू बना रही है व्लॉग मेरा। तो देखो मैं दूध काट रही हूँ, फिर रखेंगे दूध को, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी बथुआ तोड़ने के लिए खेत में। तो भाई हमारी जीजी आ गई है मामा जी इनके से, और शाम को आई है 5 बजे, तो रो की देखो मास्क लाया है। तो भाई जीजी आ गई है मामा जी इनके से, और अब जीजी को मैं चाय तो बना ली है, अभी अभी बनाई थी मैंने चाय, तो उसको गर्म करके गिथाती हूँ, क्योंकि सर्दी में थोड़ी वैसे ही हो रही है परेशान, तो चाय गिथाती हूँ फिर गर्माई आ जाएगी। और इसमें मैंने उबाल लिया है आलू, क्योंकि आलू का जल बनाएगी इसे आपको, तो चलाती गैस जीजी को। तो दोस्तों शाम का समय बज चुके हैं सही 6, तो हम बना रहे हैं सब्जी, मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आलू को देखो उबाल के तोड़ दिए, और अभी तो मैं पालक काटने वाली हूँ, और इधर हमारी गाजर भी छिलकी हो गई है तैयार, मटर भी छील रही हूँ साथ में, चुप किनारे हो जब।
मैं तो कहने का तू बाहर जा। और देखो ये ठाले बीच में टांग डाल रही। देखो तो हट देख ला। तो इधर देखो मैंने मसाला पीस पास के और बनाया हल्का हल्का, तो अच्छी सब्जी बनेगी आलू मटर पालक की। तो बन रही है, बना भी रही है। जीजी पापा बाहर कमरे में बैठे क्योंकि सर्दी बहुत तेज है, तो इसलिए। तो भाई रात के बज चुके हैं 8:30, तो हमने सबने खाना खा लिया है और सब फ्री है खाना ना खा के, बर्तन साफ करके। तो इधर बिट्टू पापा जी पता नहीं किस में लग रहे हैं, फोन में, हमेशा फोन में ही लगे रहते हैं। और आरव तो हमारा सो गया है, तो बिट्टू पता नहीं क्या कर रही है अभी। देखो इसको नींद नहीं आती है 10 बजे तक। तो जीजी पापा जी दोनों देख रहे हैं टीवी, और अब हम भी आराम करेंगे भाई। अभी तो दूध पियेंगे एक एक गिलास, कभी पिया था, रोज पीते हैं मतलब हम। तो ठीक है दोस्तों, सबको बाय बाय हमारी तरफ से, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ, और थैंक यू सबको।